उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती के मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बुखानी गांव में हेमवती नंदन बहुगुणा के आधा एकड़ में फैले संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ साथ स्वर्गीय बहुगुणा के बेटे विजय बहुगुणा, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल भी होंगे। प्रशासन कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा हुआ है और इसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता। 25 अप्रैल को सूबे के नए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बुखानी में पहला दौरा है। इसके लिए तैयारियां जोरों शोरों पे की जा रही हैं। श्रीनगर में लोक निर्माण विभाग जो बुखानी तक जाने वाली सड़क है उसमें अभी से रंग बानिश और सड़क पे रोलर लगा रहा है और डामरीकरण इस रोड का हो रहा है। लगभग एक लंबा समय हो चुका है इस रोड पे डामर नहीं बिछा था। ये रोड कच्ची थी, ये पूरी रोड जो बुखानी तक जाती है वो कच्ची थी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुखानी गांव में पूर्व उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके हेमवती नंदन बहुगुणा की के जो स्मारक है उसका उद्घाटन करना है। उनके साथ वहां पे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी भी होंगे, सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत जी भी होंगे, स्वयं हेमवती नंदन बहुगुणा के सुपुत्र विजय बहुगुणा भी उनके साथ रहेंगे। तमाम जो इस टाइम कैबिनेट के शीर्ष मंत्री हैं वो सभी बुखानी गांव पहुंचेंगे। एक काफ़ी लंबा ये प्रोग्राम है, यहाँ वो गांव में आकर गांव वालों की समस्याएं भी सुनेंगे। तमाम अधिकारियों की वहां पे बैठक भी ली जाएगी। गर्मियों का सीजन है तो वन विभाग की, पेयजल विभाग की, तमाम अधिकारियों की वहां पे बैठकों का दौर भी शुरू होगा। श्रीनगर से विनय भट्ट, समाचार प्लस।